अकबर बांधे ना बंधू ना रेवाड़ी जाऊं कोट तड़ा के निकलूं साबी नदी कहलाऊं। कि 70% लोग तक इसको जानते भी नहीं होंगे कि ये जगह आखिर है तो कौन सी जगह है। यहाँ पे सेल्फियां लेते हैं, घूमने के लिए आते हैं, कपल्स भी आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी जहां हम खड़े हैं ये एक पर्यटन स्थल है, लेकिन रेवाड़ी क्षेत्र में होने के बावजूद भी इसको रेवाड़ी इलाके के बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ये पर्यटन स्थल आखिर है तो है क्या। एक बार मैं आपको यहां का नज़ारा दिखा देता हूं, शायद आप खुद बता दें कि ये जगह कौन सी है। जो कोई आया होगा यहाँ पे तो वो बता पाएगा, नहीं तो हो सकता है कि 70% लोग तक इसको जानते भी नहीं होंगे कि ये जगह आखिर है तो कौन सी जगह है। ये जगह है साबी नदी और इसके बारे में कहावत है, अकबर बांधे ना बंधू ना रेवाड़ी जाऊं कोट तड़ा के निकलूं साबी नदी कहलाऊं। ये इसके बारे में एक बड़ी कहावत है और ये इसका जो नज़ारा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नज़ारा इसका कैसा आपको यहाँ से दिखाई देगा, वो नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हैं। कितनी बेहतरीन ये जगह आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, इसको टूरिस्ट क्षेत्र बना दिया गया है और यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पे सेल्फियाँ लेते हैं, घूमने के लिए आते हैं, कपल्स भी आते हैं और वैसे भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते रहते हैं। मसाणी बैराज के अंदर ये जगह बोली जाती है, लेकिन ये जगह खलियावास गांव के अंदर आती है जो कि साइड में ही एक आसपास इसके गांव है, खलियावास, उसी की ज़मीन यहां तक लगती है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन वगैरह है वो भी किया गया था और उस समय पे 200 करोड़ की जो ग्रांट है वो आवंटित इसके लिए हुई थी, लेकिन वो ग्रांट लगी कहाँ है उसका कोई अता पता अब तक नहीं है, ना कोई बता भी सकता है कि कहाँ पे वो ग्रांट लगी है। थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के भी दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग देख पाएँ, समझ पाएँ कि इस जगह को कैसी ये जगह हैं और किस प्रकार की यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, ताकि आपको यहाँ पर पर्यटन के अंदर लुफ्त लेने का जो मज़ा है वो भी आए और आप देख पाएँ कि ये जगह किस प्रकार की बनी हुई। आप इधर भी जगह का इसका मज़ा ले सकते हैं, आप जगह को एक बार देखेंगे तो एक बार आने का मन यहाँ पे आपका ज़रूर करेगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रही है। आपको भी वीडियो के अंदर ये जगह खूबसूरत दिखाई दे रही होगी और उसी का एक नज़ारा, उसकी एक वानगी आप यहाँ पे कितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक और प्रकृति का जो सौंदर्य है वो आपको पूरा पूरा यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे आपके बैठने के लिए और यहाँ का जो लुफ्त लेने के लिए जगह है वो भी काफ़ी जगह है, यहाँ पे चारों तरफ इसके बनी हुई है। पीछे की तरफ से भी जो एक बांध बनाया गया था, जो जगह आप देख रहे हैं उस समय पे ये बांध बनाया गया था ताकि जो आसपास के गांव हैं उनके अंदर ये पानी इस साबी नदी का घुसे ना। और ये नदी एक वैसी चलती फिरती वैसी नदी नहीं है, ये बारिश के समय में ही जो नदी है वो बनती है और वही नदी यहाँ पे आती थी, लेकिन अब आजकल ये नदी बंद हो चुकी है। यहाँ एक लगभग झील सी ये बनी हुई है और इसी के अंदर जो आसपास नहर वगैरह का पानी है वो यहाँ पे आता होगा, लेकिन ये प्राचीन जो साबी नदी बोला जाता है वो यही नदी है जो कि रेवाड़ी के अंदर फिलहाल मौजूद है। और यहाँ के आसपास के लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में आज भी नहीं जानते हैं और ना ही इस जगह पे पहुँचे होंगे। यहाँ से आप निकलते ज़रूर होंगे बार बार, मैं आपको ये प्रॉपर जगह बता देता हूँ कहाँ पे है। धारूहेड़ा से लगभग 4-5 किलोमीटर रेवाड़ी की तरफ
और रेवाड़ी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर धारूहेड़ा की तरफ ये जगहें स्थित है। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद में पूरा इसका नज़ारे का लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ बैठ सकते हैं कपल्स के साथ, आप लोग आपस में आ सकते हैं, यहाँ पे अपना जो समय है वो व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं और इसकी खूबसूरती का पूरा आनंद आप ले सकते हैं। इस साइड आपको पेड़ पौधे नज़र आएंगे, जबकि दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो उस जगह पे आपको ये झील और इसका पानी वहाँ तक दूर लंबी दूरी तक आपको नज़र आएगा। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी होती है और साथ साथ जो हरियाणवी सॉन्ग्स यहाँ पे बनते हैं, और चारों तरफ आप एक बांध सा इसके चारों तरफ देख पा रहे होंगे जो कि उधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मैं अपनी सहकर्मी से कहूँगा यहाँ से भी आपको दिखाए और दूरी तक आगे तक ताकि आप देख पाएंगे, वहाँ तक आपको ले जाने की मैं कोशिश करता हूँ। वहां से आप देख पाएंगे कि यहां पे एक बांध बना हुआ है जो कि लगभग इस झील के चारों तरफ आपको नजर आएगा। यहां से आप देख सकते हैं ये बांध जो बना हुआ है वो आपको चारों तरफ वहां से होते हुए और उधर आपको बनता हुआ पीछे की तरफ से आता हुआ आपको नजर आएगा। और उधर भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि उस साइड भी ये बांध बना हुआ है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ये जगह है खलियावास गांव के अंदर, जो कि मसानी बैराज के अंदर आजकल बोला जाता है, वहां पे ये जगह सिचुएटेड है। मैं आपको जगह की दूरी भी बता चुका हूं कि रेवाड़ी से 12-13 किलोमीटर आगे धारूहेड़ा की तरफ, और अगर धारूहेड़ा की तरफ से आप रेवाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह पड़ती है। धारूहेड़ा से आप आएंगे तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा और आप रेवाड़ी से आएंगे तो राइट साइड में ये जगह आपके पड़ेगी। यहाँ पर आएँ, आप आनंद लें, यहाँ पर बैठें आराम से, यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले सकते हैं और यहां घूमने का पूरा आप आनंद यहां पे ले सकते हैं। तो यह भी एक रेवाड़ी के अंदर छुपा हुआ पर्यटन स्थल है जिसके बारे में कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, और बताया जाता है कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने इसका जो रास्ता है वो बदलने की काफी कोशिशें की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस साबी नदी का रास्ता नहीं बदल पाए। इसीलिए इसके बारे में जो कहावत मैंने बोली थी वो शाश्वत होती है, और वो कहावत इसके बारे में है कि अकबर बांधे ना बधूं ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ा के निकलूं साबी नदी कहलाऊं। और यहाँ इस जगह पे दिल्ली तक के जो राइडर हैं वो आते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि पहले भी सरकार 200 करोड़ इसके लिए आवंटित कर चुकी है, लेकिन लगा यहाँ पे उसमें से कुछ भी नहीं है। सरकार अपने पर्यटन स्थलों की तरफ ध्यान दे ताकि ये प्राकृतिक रिसोर्सेज भी बचें और उसके साथ साथ पर्यटन का केंद्र भी बन जाएं और यहाँ की खूबसूरती भी बने और यहाँ पे लोग पहुँचें ताकि यहाँ के आसपास के लोग हैं उनके लिए कमाई का साधन भी कुछ थोड़ा बहुत बन पाए, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। और अपनी जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक जो विरासतें हैं वो बच पाएं, इस ओर सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।